नशा साहब बहुत ही अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर थे, इसमें कोई शक नहीं जी, और वो भी मुझे बहन कहते थे और हमेशा कहते थे कि तुम जब भी आती हो बात करती हो ऐसे लगता है मेरी छोटी बहन आई है अब उससे बात कर रही, तो वो बहुत प्यार से मिलते थे और नशा साहब के घर में जाया करती थी। मुझे कहीं भी अवार्ड मिलता था कुछ भी होता था तो वो सबसे पहले वहाँ पहुँच जाते थे और एक हार मुझे पहनाते थे और बहुत खुश होते थे। अच्छा जी, लखनऊ में मुझे अवार्ड मिला था अवध का, तो अवध रत्न शायद उसका नाम था जी। तो नशा साहब आए मेरे साथ, मैंने कहा नशा साहब आप लखनऊ आएंगे, कहने लगे बिल्कुल वो मेरा शहर है मेरा गांव है मैं वहीं का हूँ और वहाँ तुम्हें अवार्ड मिल रहा है ये एक तरह से मैं ये समझता हूँ कि मेरा सम्मान हो रहा है तो मैं जरूर आऊँगा। और आए वो हमारे साथ रहे और मुझे सब जगह ले जाते थे, स्टेज पे सबसे पहले बात की उन्होंने और बहुत प्यार करते थे जी, बहुत अच्छे इंसान भी थे जी, बहुत अच्छे। दीदी श्री रामचंद्र जी के साथ आपकी यादें? मैंने उनका सबसे पहले गाना गाया था शहनाई पिक्चर थी शायद, मैं शमशाद मई गीता दत्त हम सबने मिलके एक कोई और लड़की थी हमने एक गाना गाया था जवानी की रेल चली, तो उसमें मैंने एक दो लाइन गाई थी। फिर मैंने उनकी खिड़की पिक्चर आई थी उससे भी गाने गाए थे। उनकी सबसे अच्छी पिक्चर थी मेरे हिसाब से अलबेला, अलबेला जिसके अच्छा, सब गाने चले थे। और उनके साथ भी आपने कई कई गाने गाए हैं अलग अलग? जी हाँ, बहुत फिल्मों में गाए, साउथ में भी उनकी पिक्चरें चलती थी, यहाँ भी होती थी पिक्चरें, और उनके म्यूजिक में काफी मराठी स्टाइल होता था, ऐसे लगता था जैसे कोई मराठी गाना गा रहे हैं, तो वो भी अलग स्टाइल के म्यूजिक डायरेक्टर थे और अच्छे थे डेफिनेटली। वो सब जितने म्यूजिक डायरेक्टर थे अपना काम कैसे करना चाहिए उनको मालूम था और वो करते थे। दीदी सज्जाद हुसैन साहब की हम बात करें अगर, उनके बारे में सुना है कि बड़े मुश्किल संगीतकार हुआ करते थे वो। सज्जाद हुसैन साहब की बात ही मत की, वो कमाल के म्यूजिक डायरेक्टर थे और बहुत अच्छे इंसान थे जी। और उनको मिलके कभी आदमी सीरियस हो ही नहीं सकता था जी, हंस हंस के बुरा हाल होता था ऐसे ऐसी बातें करते थे और सब देखते थे कि मैं कई मरतबा घबरा जाती थी, मुझे उनका स्टाइल बहुत मुश्किल लगता था जी। और वो हंसते रहते थे और मुझे भी वो ऐसे ही प्यार करते थे बहन जैसा ही, और मुझसे बात करते थे नहीं 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 ये तो गाना आपको ही गाना पड़ेगा आप ही गाएंगे और मैं आपका वेट कर रहा हूँ आप आ जाइए, मतलब इस तरह से उनके फोन वगैरह होते थे और मैं जाके उनके गाने गाती थी। उनके मैंने मेरा ख्याल 7-8 गाने गाए होंगे 2-3 फिल्मों में जी, पर मेरा हर गाना मुझे अच्छा लगता है उनका जी, जी। और लास्ट गाना था जो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था वो था ऐ दिल रुबा जी जी, पर बहुत दुख की बात ये है कि उनको ज्यादा फिल्में नहीं मिली, मेरा ख्याल उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में 6 या 7 फिल्में की हैं, उसमें एक आध फिल्म ऐसी थी जिसमें नूरजहां जी थी जी, मतलब बिफोर पार्टीशन जी, जी, तो वो उन्होंने उनके साथ भी काम किया था और मैं नूरजहां जी को बहुत ही मानती हूँ, सैगल साहब और नूरजहां जी जिनको मैं हमेशा पसंद करती आई हूँ, तो सज्जाद साहब बहुत बड़े मिले जाए।